हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू अप्रोच क्वेश्चन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विन ऑफ द लाइन्स इन द पैसेज एंड आर टास्क इज टू फाइंड आउट दाइन जो मिसिंग लाइन है वो पैराग्राफ के एंड में भी हो सकता है मिडिल में भी हो सकता है सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट शुड बी आर अप्रोच फर्स्ट ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे सेकंड, स्ट्रक्चर और स्कोप अगर पूरे पैराग्राफ में दिल्ली के बारे में बात हो रहा है तो जो मिसिंग लाइन है वो भी दिल्ली के बारे में ही बात करेगा उसमें बिहार या यूपी से रिलेटेड कोई बात नहीं होगा थर्ड ऑथर्स मूड और टोन अगर पैराग्राफ के सारे लाइन पॉजिटिव है तो जो मिसिंग लाइन है वो भी पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता लास्ट सेंटेंस कंटिन्यूटी इसका मतलब है जो मिसिंग लाइन है उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले सेंटेंस को देखना है जो मिसिंग लाइन है उन दो सेंटेंस के बीच में फिट होना चाहिए नाउ नेक्स्ट दिस क्वेश्चन आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स आई बी पी एस पी ओ मेन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट लेट स्टार्ट the time traveller was expounding a recondite matter to us. his grey eyes shone and twinkled, and his usually pale face was flushed and animated. the fire burnt brightly, and the soft radiance of the incandescent lights in the lilies of silver caught the bubbles that flashed and passed in our glasses. our chairs, being his patents, embraced and caressed us.

रिकन का मतलब होता है एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग अ रिकंडाइट का मतलब होता है डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो एक्सप्लेनिंग अ डिफिकल्ट टॉपिक टू वर्स जो uh, ये उसका एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट लाइन का उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वो उसका डिस्क्रिप्शन uh, दिया गया है कि वो कैसा लग रहा था जब एक्सप्लेन कर रहा था वहाँ का इन्वा कैसा था जो ब्लैंक ब्लैंज पहले वाला लाइन है एंड देर वॉज ऑफ एटमोस इसमें यह दिखाया है कि जो ऑथर है उसका मेंटल स्टेट कैसा था उस टाइम जब जब वो वहाँ पे प्रेजेंट था तो उसका मेंटल स्टेट कैसा था फ्री ऑफ ट्रेवल्स ऑफ प्रिशन मतलब उसका जो ब्रेन था वो फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस था ट्रैवल्स का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है तो वो उस टाइम उसका ब्रेन बहुत फ्री था ए एंड स्लोली एंड स्टेडली द एटमॉस्फेयर ग्रीव स्टेल एंड लॉस्ट ऑल द वाइब्रेंसी वाइब्रेंसी इट हार्ड तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा इसमें ब्लैंक में ए नहीं होगा क्योंकि देखिए जो पूरा पैराग्राफ है वो पॉजिटिव टोन है उसका तो ए एक नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ सकता अगर पूरा पैराग्राफ पॉजिटिव टोन है पॉजिटिव नोट में है तो ए uh, नेगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता तो ए एलिमिनेट हो गया बी एंड ही पुट इट टू अस इन दिस वे मार्किंग द पॉइंट्स विद अ लीन फोर फिंगर एज वी सैट एंड लेजली एडमायर हिज अर्नेस्टनेस ओवर दिस न्यू पैराडॉक्स एंड हिज सेकेंडिटी सेकेंडिटी का मतलब होता है मेंटल क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी तो ये बी फिट हो सकता है उसमें क्योंकि देखिए जो फर्स्ट लाइन है कि टाइम ट्रेवल एक्सपाउंडिंग अ मैटर टू वॉज वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा था जो एक डिफिकल्ट टॉपिक था और इसमें बी में डिस्क्राइब किया गया कि, कि वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले वो ही पुट इट टू इन दिस वे मार्किंग द पॉइंट्स विदर एज वी सैट एंड लेली एडमायर हिज अर ओवर दिस न्यू पैराडॉक्स तो ये फिट हो सकता उसमें सी we sat वे like to in a nursery eagerly anticipating the show the time traveler would put on for us देखिए यहाँ पे जो anticipating the show नहीं हो सकता क्योंकि ऑथर को पहले ही पता है कि time traveler वहाँ कुछ कर रहा था मतलब उसको पता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या explanation दिया जा रहा है तो ये anticipate कैसे कर सकता है वो चीज़ को anticipate हम लोग उस चीज़ को करते हैं जिसके बारे में हम लोग पता पता नहीं है ये पता है 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 ये कि वहाँ पे एक एक uh, दिया जा रहा है, कुछ जा रहा रहा कुछ समझाया जो एक difficult topic है। तो भी एलिमिनेट हो गया डी वी सैट बी बाय द द रेडियंस ऑफ द टाइम ट्रेवलर वॉज अनइमेजिनेबल एंड अनबियरेबल तो यहाँ पे बी नम्ड नहीं होगा ये ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएगा कि बीनाम्ड बीनाम्ड नहीं हो सकता यहाँ पे बीनाम्ड का मतलब होता है शॉर्ड और ये जो ब्लैंक जो पहले जो सेंटेंस है वो वहां पे मेंशन है कि उस टाइम वो उसका जो ब्रेन था वो आफ्टर डिनर के एटमॉस्फेयर के जैसा था फ्री ऑफ ट्रेवल्स ऑफ प्रिसिशन फ्री ऑफ ट्रेवल्स मतलब उसका ब्रेन कोई रिस्ट्रिक्शन में नहीं था वो एकदम फ्री था तो डी एलिमिनेट हो गया आई कॉट बीज आई ओवर द शोल्डर ऑफ द मेडिकल देखिए यहाँ पे मेडिकल मैन के बारे में कोई और, कहीं पे मैंशन नहीं किया गया है तो ई e भी इलेमिनेट हो गया सो आंसर विल भी ऑप्शन बी नेक्स्ट Let us understand the definition of metaphysics, a purely speculative science which occupies a completely isolated position and is entirely independent of the teachings of experience. It deals with mere conceptions, not like mathematics, with conceptions applied to intuition, and in it, reason is the pupil of itself alone. It is the oldest of the sciences. देखिए ये पूरे पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो है डेफिनेशन ऑफ मेटाफिजिक्स क्या है वो कितना डिफरेंट है बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कितना डिफरेंट है ये कम्प्लीटली स्पेकुलेटिव साइंस है और इसका जो वास्तविकता है उससे कोई रिलेशन नहीं है जो रियल एक्सपीरियंस जो रियल real रियलिटी है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है ये बहुत अलग है तो इसके इसका जिस्ट ये है इसमें तो ऑप्शन ए एंड इट वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव विदउट द आर्किटेक्चर ऑफ मैथेमेटिकल सपोर्ट दैट इट ड्रॉज इट स्ट्रेंथ फ्रॉम देखिए यहाँ पे इसका रिलेशन मैथेमेटिक्स के साथ है और यहाँ पे एक पैराग्राफ में ये मैंशनड है कि ये बहुत डिफरेंट uh, है मैथेमेटिक्स से इट डील्स विद कंस नॉट लाइक मैथेमेटिक्स मतलब मैथेमेटिक्स से बहुत डिफरेंट है ये तो ए इलिमिनेट हो गया क्योंकि मैथमेटिक्स से उसका कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है बी

एबस्ट्रैक्शन्स मतलब एब्सट्रैक्शंस का मतलब जो जो रियल ना हो मतलब रियलिटी से बहुत दूर है तो इसीलिए एब्सट्रेक्शन नॉट रियल इस वजह से लोगों को मतलब अभी भी बासुल कर अभी भी लोग शॉक्ड हो जा रहे हैं या सरप्राइज हो जा रहे हैं वो सब्जेक्ट से कि इसमें ऐसा कैसे हो सकता है मेटाफिजिक्स तो ये हो सकता ऑप्शन बी सी

ये हम कैसे बता सकते हैं कि जब दुनिया में कुछ नहीं रहेगा तब मेटाफिजिक्स होगा इस सेंटेंस इस का मतलब तो ये है फ्यूचर के बारे में हम नहीं बता सकते फ्यूचर में उसका उसके मेटाफिजिक्स का क्या हो सकता है हम इस, इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है वो अभी के बारे में डिस्कस हो रहा है कि वो उसका डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है और कितना डिफरेंट है वो बाकी सब्जेक्ट से कितना इंडिपेंडेंट है तो इसीलिए डी नहीं होगा क्योंकि उसका जो सेकेंड पार्ट है वो जा नहीं रहा है बाकी पैराग्राफ के साथ ई क्रिटिकल नॉट अपोज टू द ऑफ रीजन इन प्योर कॉग्निशन फॉर प्योर कॉग्निशन मस्ट ऑलवेज बी डॉगमेटिक इसमें प्योर कॉग्निशन और डॉगमेटिक के बारे में बात हो रहा है और ये पैराग्राफ में कहीं भी इसका मेंशन नहीं किया गया है तो ई e भी एलिमिनेट हो जाएगा तो तो इस वजह से ऑप्शन uh, बी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है और अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ये मेटाफिजिक्स और इसका जो नए uh, नए यूनिकनेस है इस सब्जेक्ट का वो नहीं समझ में आ रहा है इसलिए ऑप्शन बीज आर आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री However, it is possible that the non-resident entity may have a business connection with the resident Indian entity. In such a case, the resident Indian entity could be treated as permanent establishment of the non-resident entity. During the last decade or so, India has seen a steady growth of outsourcing of business processes by non-residents or foreign companies to IT-enabled entities in India. Such entities are either branches or associated enterprises of the foreign enterprise or an independent India enterprise. The non resident entity or foreign company will be liable to tax in India only if the IT enabled BPO unit in India constitutes its permanent establishment. इस पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है वो ये है कि किस कंडीशन में जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में उनसे टैक्स लिया जा सकता है टैक्सेबल होगा किस कंडीशन में फॉरेन कंपनीज इंडिया में टैक्सेबल होंगे उसके बारे में uh, दिया गया है तो देखिए जो ऑप्शन है ए द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इन सच अ केस इज अंडर कंसिडरेशन लिए हम कर सकते हैं कि हाँ हो सकता है ऑप्शन में क्योंकि देखिए यहाँ पे टैक्स टैक्स सिस्टम के बारे में uh, बात हो रहा है कि कैसे कौन फॉरेन कंपनी कैसे इंडिया में टैक्सेबल हो सकता है जब जब कोई नॉन रेजिडेंट इंटिटी इंडियन इंटिटी के साथ एक स्टैब्लिशमेंट बनाती है तो वो टैक्सेबल कंसिडर किया जा सकता है उसको तो फिर ऑप्शन ए हो सकता है बी हाउ बी हाउ उड द प्रॉफिट वुड बी शेयर के बारे में बात हो रहा है और देखिए पूरे जो पैराग्राफ है वहाँ कहीं भी प्रॉफिट के बारे में नहीं है तो ये लिमिनेट हो गया बी नहीं होगा सी अंड कमर्स प्रोसेस रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड रेवेन्यू प्रिंसिपल इज अहेड फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया देखिए लेंदी कमरसम क्रॉस के बारे में भी कहीं मेंशन नहीं है कि हाँ बहुत लेंदी है या कमरसम है ये जो काम है और ये भी कहीं मेंशन नहीं है आउट ऑफ स्कोप है ये भी सी डी ट्रेंड इज सीन इन लास्ट डिकेड देखिए ये हो सकता है लाइन लेकिन देखिए फिर जो उसका नेक्स्ट है ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड और सो तो वो भी सेंटेंस सेम है तो रिपीटेशन में आ जाएगा इज सेन इन इंडिया डरिंग द लास्ट एक सो तो ये रिपीटेशन है ये दोनों सेंटेंस तो डिबीलिमिनेट हो गया ई इंडियन कंपनीशन इनक्रीजेस यहाँ पे कॉम्पिटिशन इंडियन कंपनी के साथ क्या कॉम्पिटिशन है इसके बारे में यहाँ पे कहीं भी मैं नहीं है या कहीं भी इसका सेंट्रल um, थीम नहीं है इसका सेंट्रल थीम यह है कि किस कंडीशन में जो फॉरन कंपनीज है वो इंडिया में टैक्सीबल हो सकती है तो ऑप्शन is our answer. the tax treatment of the permanent establishment in such a case is under consideration. next, 24. aggregation of risk is somewhat quite new to banks in india. while some banks have started thinking in that line by trying to put integrated limits framework and integrated risk policies, as well as using cbs solutions for technological integration.

क्या कैसे काम करता है कैसे वो डिसाइड होता है कि कैसे वो काम करेगा रिस्क एग्रीगेशन तो देखिए जो ऑप्शन ए है मोस्ट बैंक टू कॉन्सेप्चुलाइज द सेम इन द प्रोसेस ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि देखिये

बोला गया है फर्स्ट में कि यह एक न्यू न्यू है क्वाइट टू बैंक्स इन इंडिया फिर वही लाइन को रिपीट किया गया है तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा तो डी भीशन कंडीशन लेट डाउन इन द मैनुअल बैंक ऐसा करके तो कुछ होता नहीं है जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है तो ई e भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया तो ए भी एलिमिनेट हो जाएगा सो आंसर विल बी ऑप्शन ए नाउ नेक्स्ट आफ्टर टू इयर्स हाई इन्फ्लेशन मॉडरेटेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 2011-12 इन रेस्पॉन्स टू पास्ट मॉनिटरी टाइटनिंग एंड ग्रोथ डिसलरेशन हाई इन्फ्लेशन हैड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वेलफेयर एंड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट

जो हाई इन्फ्लेशन है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसिस हो रहा है हाउस होल्ड एसेट्स एसेट मेनली हाउस होल्ड सेविंग्स में क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है और द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ इन्फ्लेशन इज द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंस किस में हो रहा है ए इट्स डिस्ट्रक्टिव एलोकेशन इंपैक्ट ऑन द इंडस्ट्रीज दैट वर लेटली कमिंग अप देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पर तो हाउस होल्ड सेविंग्स में कॉन्सिक्वेंस पड़ रहा है तो मतलब कॉमन मैन में इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे कॉमन पीपल के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया गया तो ए एलिमिनेट हो गया बी इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिच एंड हाई प्रोफाइल पीपल ये भी नहीं होगा क्योंकि कॉमन मैन कॉमन हाउस होल्ड पर इफेक्ट पड़ रहा है तो नहीं होगा बी भी इलिमिनेट हो गया सी इट्स एडवर्स डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट ऑन द पुअर पीपल विदाउट सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर्स देखिए ये हो सकता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशनल इम्पैक्ट ऑन द पुअर पीपल विदाउट सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशनर्स अगर हाउस होल्ड सेविंग्स में अगर इफेक्ट पड़ रहा है हाई का तो ऑफ़ जो और पीपल विदाउट सोशल सिक्योरिटी है और पेंशनर्स ज़्यादा इफेक्ट सिस्टम यहाँ पे कैसे हम बता सकते कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेंट फॉर द पुअर पे इफेक्ट पड़ रहा है ये तो कहीं मेंशन नहीं है तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्सट हो गया डी पी सिस्टम में कैसे इफेक्ट पड़ सकता है वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ई इट्स अनफेवरेबल बियरिंग ऑन डे टू डे कॉमोडिटीज दैट आर यूज्ड बाय द कॉमन मैन देखिए यहाँ पे जो कॉमन मैन है वो उसका जो मेंशन है वो बाद में कि हैज ग्रोथ स्लो डाउन इट पार्ट ड्यू टू तो इन्फ्लेशन इट फर्दर रिड्यूज द वेलफेयर ऑफ द कॉम कॉमन मैन तो सबसे ज्यादा जो पुअर है उन पर इफेक्ट पड़ेगा उसके बाद जो कॉमन मैन है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे कॉमोडिटीज uh, पे यूज हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंशन है कि पर्टिकुलरली हाउसफोल्ड सेविंग्स इन फाइनेंशियल एक्सिस उसके बारे में मैंशन है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगी सबसे ज्यादा यहाँ पे इस पर इफेक्ट पड़ रहा है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट ऑन द पुअर एंड पीपल विदाउट सोशल सिक्योरिटी ये ज्यादा ही अप्रोप्रिएट आंसर ज़्यादा सुटेबल आंसर है इसका तो आंसर इज ऑप्शन सी दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन थैंक यू फॉर वॉचिंग